मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थमते ही गर्मी का असर बढ़ गया है। मंगलवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में दिन का टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ गया। वहीं खंडवा में 1.5 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। ऐसा ही मौसम बुधवार को भी बना रहेगा, जबकि 21 सितंबर से हल्की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 22 से 23 सितंबर तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा, इससे एक बार फिर पूरा प्रदेश तरबतर होगा। नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी से एक्टिव होगा, जो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इससे भोपाल, ग्वालियर, चंबल, रीवा, इंदौर जैन संभाग के जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अब तक सूखे रहे रीवा संभाग में भी तेज बारिश होने की संभावना है। बुधवार को डिंडोरी, शिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं इंदौर, जबलपुर समेत 27 जिलों में धूप छांव रहेगी, कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। प्रदेश के 7 जिले अभी रेड जोन में है। इनमें भोपाल, गुना, अशोकनगर, दमोह, सतना, रीवा और सीधी जिले शामिल है। यहाँ 23% से 38% तक कम बारिश हुई है। अब तक औसत 35.62 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि 35.91 होनी चाहिए थी। दोनों आंकड़ों में आधा फीट का अंतर भी नहीं है। प्रदेश में ओवरऑल 1% बारिश ही कम है। पूर्वी हिस्से में 5% कम और पश्चिमी हिस्से में 2% अधिक बारिश हुई है।